बाइक है हमारी। 1 2 3 वाओ थैंक यू एंड वाओ गॉड ब्लेस 500 एपिसोड्स तो कोई बात ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और ना बोले तो उसमें चेहरे की मुस्कान से ही पता चल होगा कि बहुत बड़ी बात है। 500 एपिसोड होना मतलब बहुत लंबी जर्नी है, और अभी बहुत लंबी होने वाली है जर्नी, तो बस खुशी है। बस यूं कहेंगे कि निशब्द हो गए हैं, कोई लफ्ज़ नहीं बचा है तारीफ में। एंड थैंक्स अ लॉट अभिमन्यु सर, रूपाली मैम, कॉन्टिलो एंटरटेनमेंट्स, जिन्होंने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया। बस यूँ ही कहना चाहेंगे कि 500 एपिसोड का सिलसिला क्यों ना एक और सीक्वल पार करे। 500 और हो, 500 और हो, 500 और हो, और 5 बार और हो, चलता जाए चलता जाए। आप लोगों से मुलाकात होती रहे, रूपाली मैम हैं, अभिमन्यु जी हैं, इसी तरीके से हम सबके साथ पार्टी करते रहें, इससे अच्छी खुशी क्या हो। सबसे बड़ी खुशी जो है वो ऑडियंस के चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे, जिसके लिए हम लोग आए हैं बॉम्बे, लोगों को हंसाने, वो उद्देश्य पूरा हो, वो हमारे लिए जो हम लोग लेकर आए हैं सपने, वो लोगों के जरिए पूरा हो, बस यही हो। 500 एपिसोड पूरे हो गए, टीआरपी भी बहुत अच्छी चल रही है, लोग काफ़ी खुश हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? टीआरपी इसलिए है क्योंकि ऑडियंस है, ऑडियंस है तो हमें एक कहते हैं कि चमनप्रास एक कमज़ोर इंसान को ज़रूरत होती है, तो हमें जो ऑडियंस का प्यार है वो हमारे लिए चमनप्रास एक औषधि का काम करती है, मेडिसिन का काम करती है। अगर उनका प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो 500 से 1000 1500 और धीरे धीरे धनी मनी को लोग पसंद करते हैं, गुरु तथा आचार्य भी आने वाले होंगे, उनको भी लोग बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम, तो बस ऐसे ही चलती रहेगी जर्नी, आनंद आएगा। किस तरह से सेलिब्रेशन होने वाला है आज आप देखेंगे, पार्टी होने वाली है बस, और तो कुछ नहीं होने वाला है, बस पार्टी होगी, धमाल होगा, कमाल होगा, बेमिसाल होगा, बस इतना ही होगा। इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ये तो ऑन द फ्लोर बस अभी कूद पड़ेंगे। और ये 500 है, बहुत बड़ी बात है, मतलब आप सबको पता होगा कि 500 होना बहुत बड़ी बात है, और ऑडियंस के दिल में जगह बनाना ये सबसे मुश्किल काम है, और एक बार जगह बन जाए तो कहते हैं ना अकाउंट खुल गया, और अकाउंट खुला तो फिर किराया देते जाओ, हंसते जाओ, हंसाते जाओ, यही चीज़ चलती रहेगी। मेरे हिसाब से जैसे आपने टीआरपी के लिए पूछा, तो हमारा धनी मनी का जो सीधा सिलसिला और रिलेशन है हमारे गुरु जी के साथ है, तो हमारी जुगलबंदी के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही चलती रहे सालों साल हमारी जुगलबंदी। हमारे गुरु जी हैं हमारे लिए शिवजी, और हम दोनों हैं उनके लिए नंदी। यूँ तो हैं रियल लाइफ में हमारे गुरु जी श्री राम एंड, बट रियल लाइफ में है रावण, इसीलिए हम दोनों अपनाते हैं उनकी हर एक बात गंदी, तभी शायद टीआरपी है इतनी बनती। भाई चलती रहे गाड़ी, और हम उन लोगों गाड़ी के माल, गाड़ी के डब्बे हैं, और डब्बों में माल भरा हुआ है कॉमेडी का भरपूर, जितना लोग हंसना चाहें हम उनको हंसाना चाहेंगे, तो बस देखते रहिए तेनाली रामा, और छोड़ के अपना सारा कामा देखते रहिए हमेशा तेनाली रामा। सबकी जर्नी आई गेस बहुत ही अच्छी रही है, बिकॉज ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हम इतना ज़्यादा शूट कर रहे होते हैं एवरी डे दैट हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमने कितने एपिसोड शूट कर लिए। तो आई गेस सडनली 10 दिन पहले हमें रियलाइज़ हो कि हाइला हम 500 एपिसोड शूट कर लिए, तो वो एक सरप्राइज़ था सबके लिए, सभी आर्टिस्ट के लिए। एंड हियर वी आर, आज हम आप सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, बस इतना ही। अब शो की टीआरपी आप लोगों की वजह से अच्छी है, ऑडियंस खास करके बच्चे जो देखते रहे हैं, बच्चों की वजह से बड़े भी देखते रहे हैं, तो मैंने हमेशा सारे इंटरव्यूज़ में यही कहा है कि ये शो बहुत स्पेशल है। आज के ज़माने में जहाँ हम बहुत सारे नागिने और डायने और पिशाचिनी ये सब देख रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा शो तेनालीरामा भी आता है हमारा, जो आपको हंसाते गुदगुदाते कुछ मैसेज दे जाता है, आपको कुछ सिखा जाता है, जो कि आज के ज़माने में सोशली मोरली बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीविज़न पर, तो ऐसा हमारा शो है, और हम सब इसके लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। 2 साल हो गए एग्जैक्टली, 29th of May को हमने शूट शुरू किया था, एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 500 एपिसोड्स, तो बहुत स्पेशल शो है हम सब के लिए। आने वाले हाँ बिल्कुल, एज़ यूजुअल हमेशा जैसे कि फॉर्मेट पता है, हमेशा कोई नया ट्रैक आता है, कोई नई कास्ट आती है, कुछ धमाल मस्ती होती है। इस बार महाराज जो कृष्णदेव राय हैं उनके अंदर 6 बुरे दोष घुस जाएंगे, और एक एक करके वो उन बुरे दोषों को कैसे कंट्रोल करेंगे रामा की मदद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक आया है। थोड़ी फैंटसी है, थोड़ा लाफ्टर है, बहुत सारा धमाल मजाक मस्ती है, और बस यही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया,
जब मैंने ये शो लिया था तो मुझे लगा था कि 2-3 महीने में बंद हो जाएगा, उसके बाद यू नो मैं बाल वाल उगा पाऊँगा वापस, लेकिन 2 साल से मैं टकला ही हूँ, बाल उगाने का वेट कर रहा हूँ, पर मुझे ये चांस नहीं मिल पा रहा। थैंक्स टू यू गाइज, आई विश कि आप मुझे ये चांस और 2 साल के लिए ना दें, 1000 एपिसोड हम पूरे कर लें, इसी तरह आप देखते रहें और इतना ही प्यार देते रहें हमें। थैंक यू। ये 2 सालों की जो जर्नी रही बहुत सुखद रही, बहुत मज़ेदार रही, बहुत यादगार रही, बहुत धमाकेदार रही, और बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखा और दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। तो अब 2 साल हो गए हैं हमारे शो को, 500 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। सभी प्रशंसकों का, फैंस का, दर्शकों का प्यार है, मोहब्बत है, आशीर्वाद है, हम 500 एपिसोड तक पहुँचे हैं। बस ऐसे ही आपका प्यार बना रहे और हमारा शो चलता रहे और चलता ही रहे। मैं अभी भी इसका जवाब अभी ये वही देख के आया वहाँ पे कि इतनी मेमोरीज है, यहाँ शेयर करते करते पार्टी ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ी मेमोरी तो मेरे ख्याल से मेरे लिए इस शो में ये है कि मुझे तथाचार्य का रोल करने के लिए मिला, इससे बड़ी मेमोरी और कोई हो नहीं सकती है। हाँ, तथाचार्य के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, हंसते हुए, खेलते हुए, बहुत मतलब एक तो क्या है कि एक लकीली एक ऐसा किरदार मिला है जिसमें हमारे नाट्य शास्त्र में 9 रस होते हैं, इसमें सभी के सभी रस हैं और 24 भाव होते हैं, भाव भी हैं इसके अंदर, सभी भाव हैं। तो ये हंसता है, रोता भी है, डराता भी है, डरता भी है, अब विलन भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव, सब इसमें सभी रस हैं। तो इसको करने में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट रोल है बट आई एम एंजॉइंग। तो यादें जहाँ यादें बहुत मतलब यादें हमारी मस्ती की यादें बहुत सी हैं, हम खेलते रहते हैं सेट पे, जब शॉट के बाद मतलब फ्री बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो भी हम बहुत लाइट मूड में डिस्कशन करते हैं और बहुत हम इस शो के लिए कि बहुत पॉजिटिव है हमेशा। इस शो की खासियत ये है कि हर 6-7 एपिसोड के बाद कहानी बदल जाती है, तो एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक नई एनर्जी आ जाती है। तो अभी कहानी चल रही है विक्रमादित्य के सिंहासन को लेकर के, उसके बाद आगे 6 जो हमारे जो राजा साहब, हमारे किंग के ऊपर जो 6 उनके अलग अलग भाव हैं, उसके ऊपर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, इसके ऊपर वो कहानियाँ चलने वाली हैं। मैंने बचपन से लेके कभी बाल कटाए नहीं थे, तो अब पहली बार बाल कटाए तो अब मुझे ये पता चला कि बालों की अहमियत क्या होती है। जब सर्दी होती है तो बहुत सर्दी लगती है, जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बालों की बहुत ज़्यादा कीमत है, मतलब बहुत वैल्यू है बालों की। लेकिन हाँ, दूसरा ये था कि जब मुझे पता चला कि मुझे इस तथाचार्य के रोल के लिए बाल कटवाने हैं, तो मैं पहले बड़ा घबराया कि मैं बाल कटवाऊंगा, मैंने कभी कटवाए नहीं है, कभी गंजा हुआ नहीं हूँ, पता नहीं मेरी कैसी शक्ल निकल के आएगी। तो फिर मैंने हिम्मत करके कटवा लिया तो देखा कि हाँ, शक्ल तो अच्छी निकल के आई। मैंने अभी कहा ना कि अभी हम बीच में क्या अभी प्रमोशन के लिए भी गए थे, अहमदाबाद गए, इंदौर गए, तो वहाँ पे अद्भुत रिस्पांस मिला, बहुत मतलब हर तरह के लोग, बूढ़े, बच्चे, यंग, सब लोग इस शो को देखते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को बिठा करके दिखाते हैं कि देखो और सीखो, बिकॉज हर स्टोरी को सिखाती भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने व्यूअर्स को जो 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 प्यार, जो आशीर्वाद आप सब ने दिया है, ये प्यार, ये आशीर्वाद हमारे शो पर बनाए रखें और लगातार देखते रहें और देखते रहें तेनालीराम। बिल्कुल क्या है कि देखिए, टेलीविज़न मेरा ये मानना, मैंने लकीली बहुत सालों से मैं काम कर रहा हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने हर तरह के दौर देखे,
जब गोल्डन पीरियड हुआ करता था भारतीय टेलीविज़न का, उसका मैं हिस्सा रहा हूँ, जिसमें गुलगुलशन, गुलफाम, जुनून, स्वाभिमान, उम्मीद, तारा, शतरंज, राहत, ऐसे बहुत सांझा चूल्हा, भारत की खोज, ऐसे सब शोज़ का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो बीच में एक दौर आया, सब खो गया। अब वो सारा टेलीविज़न सास बहू और उसमें खो गया कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद क्यों, इसमें चला गया सारा टेलीविज़न। तो बेसिकली टेलीविज़न का मकसद क्या था कि एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज। अब मेरे ख्याल से तेनाली रामा के बाद ये दौर वापस आया है। तेनाली रामा की खासियत है इस शो की कि हर स्टोरी एंड में एक मैसेज देके जाती है, जिसे सब सीखते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब सब सबको एक सीख मिलती है। मेरे खुद के किए हुए कि मतलब ज़बान संभाल के, उससे वो बहुत बेहतरीन शो था। हर स्टोरी कुछ ना कुछ बता के जाती थी, बुनियाद बहुत खूबसूरत शो था, है ना। और मैंने जो किए, मैंने तो नाम बताया आपको, मतलब वो यादगार शोज हैं सभी, चाहे वो गुलगुलशन गुलफाम हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो जुनून हो, चाहे वो उम्मीद हो, चाहे वो तारा हो, चाहे वो भारत की खोज हो, चाहे कथा सागर हो, चाहे सांझा चूल्हा हो, और मैं नाम भी भूल जाता हूँ बहुत सारे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। भाई मेरी जर्नी तेनाली के साथ, कौंटिलो के साथ बहुत छोटी सी रही है, शेख चिल्ली की। सो जो इन्होंने मेहनत करके इस शो को 2 साल तक लेकर आए हैं 500 एपिसोड्स के लिए, ना आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम। मैंने सिर्फ इन लोगों के साथ सिर्फ डजन शूट किया शेख चिल्ली, एंड आई हैड बेस्ट ऑफ माई टाइम। I think so. I miss the people on the set. I think so. It's one of the best production house you can work with, and people are very humble. And it was so organized and well planned. Generally, कई बार production house planned नहीं होते, but I was very impressed. Everything was sorted, the scripts and everything. Everybody was very clear with the concept of Sheikh Chilli coming and how the Sheikh Chilli is supposed to be. And the co-actors like Pankaj ji and everybody was such a big support. And Tenali, Krishna Bhardwaj and Nimisha ji, who's playing Amma, they were brilliant as co-actors. I loved it. Those 7-8 days I shoot with them was amazing. I guess Tenali ke abhi sirf 2 saal hue hain, and main wishes karta hu ki ye aur saalon saal chalta rahe, logo ko entertain karta rahe. I think so, because kids love Tenali Rama, Krishna Bhardwaj, and they are doing amazing with whatever stories are coming. It's not a typical saas bahu show, so even I love to watch, my parents love to watch Tenali Rama. It's very light hearted show, and that's how it is. I love it. Thank you so much. एक्सेलेंट। मैंने जितने भी शो किए हैं, हर शो में मैं बहुत बोलती थी, इम्प्रोवाइजेशन एक्ट्रेस के तौर से मुझे बहुत जाना जाता था, लेकिन इस शो में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, ज़िप है इधर, और सिर्फ मेरे एक्सप्रेशन से। और लोगों ने इसको इतना बधाया है, इतना पसंद किया है, इसके लिए मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैंने ये रोल लिया ही इसीलिए था कि इट वाज़ अ चैलेंज टू मी, कि बिना बोले इतने साल तक मैंने डायलॉग्स बोले, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो बिना बोले मैं अपने एक्सप्रेशन से कैसे करूँगी। तो ये चैलेंज थैंक्स टू यू ऑडियंस, आपकी वजह से मैं कर पाई, और आपने पसंद भी किया, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी है, जितनी लोगों को तब हुई थी जब हमारे नए पंत प्रधान चुन कर आए थे, उतनी खुशी आज मुझे है। मेरे 500 एपिसोड हो गए इस शो के। थैंक यू।